नमस्कार। ऐसे ही एक फेसबुक लाइव में मैंने कुछ दिन पहले पिकल योग बुक की रिचा को मैंने सुना। वे पिक्चर बुक के बारे में बता रहे थे, उनके प्रकाशित पिक्चर बुक्स की काफ़ी तारीफ हो रही है आजकल, और वे एक हाल में प्रकाशित उनकी रचना माछेर झोल के बारे में बात कर रही थी। एक बहुत खूबसूरत कहानी है ये, जिन्होंने नहीं देखा है नहीं पढ़ा है वो ज़रूर इसे देखें। तो पिक्चर बुक की बातें सुनते हुए मैं खो गया अपने बचपन में, जब मेरा साहित्य से जो साक्षात्कार हुआ वो दो तरीके से हुआ। एक तो भाषा सरिता जो बिहार के पाठ्यक्रम में, स्कूल के पाठ्यक्रम में चला करता था, वो हर जनवरी के महीने में जब नए कक्षा शुरू होने के साथ भाषा सरिता की किताब आती थी, तो सबसे पहला काम मेरा ये होता था कि उसकी कहानियों को पढ़ जाना। और कहानियों को पढ़ने में बड़ी दिलचस्पी मेरी होती थी, तो सब किताब के आने का पहला जो उत्सव होता था वो इन कहानियों को पढ़ने का होता था। इससे इनके जरिए मैंने कहानियों की दुनिया को जाना। और दूसरा जो मेरा साक्षात्कार हुआ साहित्य से, वो नंदन, पराग, चंपक आदि पत्रिकाओं के जरिए और चित्रकथा और कॉमिक्स के जरिए। मेरे घर के बगल में एक चूने बालू की दुकान थी, जहाँ के चांद भैया लाते थे, उनके पास बहुत सी चित्रकथाएँ कॉमिक्स हुआ करती थी। उनका ताल्लुक था स्टेशन, दरभंगा में रेलवे स्टेशन पर पत्र पत्रिकाओं की दुकान थी, तो जो पत्र पत्रिकाएँ एक महीने पुरानी हो जाती थीं, उनका ये मुझे बाद में पता चला, उनका कवर पृष्ठ का जो ऊपर का हिस्सा होता है जिस पर शीर्षक वगैरह लिखा होता है वो फाड़ कर वो भेज दिया जाता था, और जो बाकी बची पत्रिका रह जाती थी वो शहर में ही रहती थी, और चांद भैया उन्हें बहुत कम मूल्य पर ले आते थे। और वे जो पुनः जिनका प्रकाशन की दुनिया में कह सकते हैं कि सर्कुलेशन एक तरह से औपचारिक सर्कुलेशन खत्म हो चुका होता था, वे हम जैसे पाठकों के बीच सर्कुलेट होने लगती थी। हमारे पास कई बार मेरे जैसे बहुत से बच्चे वहाँ रहते थे, तो सबको पढ़ने की चाहत होती थी, तो कई बार हमें एक कॉमिक्स को पढ़ने के लिए 5 मिनट 10 मिनट का समय मिलता था, और क्योंकि एक लंबी कतार लगी होती थी। तो उस इंद्रजाल कॉमिक्स, अमरचित्र कथा, इनके जरिए मैंने साहित्य की दुनिया में प्रवेश किया। और मैं आज सोचता हूँ कि यह कितनी विडम्बना है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, साहित्य की दुनिया जैसे जैसे संश्लिष्ट होती जाती है, पिक्चर का के साथ जो ताल्लुक है साहित्य का वो कम होता जाता है, या कहीं ना कहीं हमारे जेहन में जो साहित्य का जो अक्स उभरने लगता है उस अक्स से चित्र दूर होता चला जाता है, उस विमर्श से चित्र दूर होता चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि हम चित्र को बचपन के पिक्चर बुक या
चितकथा कॉमिक्स तक ही सीमित कर देते हैं और बाद के हमारे साहित्य के की समझ में चित्र या तो द्वयम दर्जा हासिल कर लेता है या फिर एकदम गायब हो जाता है। इन्हीं बातों के साथ जो सवाल मेरे जहन में हमेशा उभरता रहा वो ये कि साहित्य और चित्र, शब्द और चित्र, शब्द और दृश्य का क्या संबंध है, वो किस जगह पर, किस खास स्टेज में वो तरजीह लेते हैं और कहाँ उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है। इन्हीं सब बातों को पर सोचते हुए मैं पिछले करीब 2 दशक से दृश्य संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को जानने परखने की कोशिश कर रहा हूँ और इसका एक आमद आप कह सकते हैं वो हाल में मेरी प्रकाशित एक किताब जो जिसका शीर्षक है देवनागरी जगत की दृश्य संस्कृति, यह राजकमल और रजा फाउंडेशन के सौजन्य से आई है। तो मैं कुछ बातें इस किताब के बारे में करना चाहूँगा और यह जो सवाल है इस सवाल की तरफ आपका तवज्जो चाहूँगा कि जो दृश्य संस्कृति है खासकर जो हिंदी जगत की, देवनागरी जगत की, उसकी तरफ हम किस तरह से हमें देखना चाहिए। यहाँ मैं बहुत विस्तार से इस किताब के बारे में नहीं जाऊँगा, कुछ एकाध जो मैं कुछ पैराग्राफ यहाँ आपके समक्ष रखना चाहूँगा। जैसे मैं इसकी किताब की भूमिका में मैंने यह लिखा है कि सवाल महज देखने का ही नहीं है, मुद्दा देखने के उस अनुभव का है जिसकी अपनी कुछ विशिष्टता हो, जो महज चित्रकला, फोटोग्राफी, कार्टून, सिनेमा या इन सब के मध्य घूमते चित्रों और उनके बनने की तकनीकीगत इतिहास या फिर इन चित्रों के बाजार का इतिहास ही बनकर न रह जाए। यहाँ यह उक्ति कुछ बरबोलापन लग सकती है कि पर यदि भारतीय संदर्भों में दृश्य संस्कृति के पिछले 2 दशकों के विमर्श पर कुछ ठहर कर सोचें तो आप पाएंगे कि यह विमर्श औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक, जिसमें मैं समकालीन सरोकारों को भी शामिल करता हूँ, उन परिदृश्यों में चित्रों के, छवियों के व्यापक पैमाने पर उत्पादन की तकनीकी और उसके विसरण की संश्लिष्टताओं के इर्द गिर्द ही सिमटा हुआ है। इस विमर्श का एक सिरा जहां समकालीन जन जीवन में दृश्य जनित संचार के माध्यमों जैसे विजुअल मीडिया की बेहिसाब दखलंदाजी की तरफ हमें ले जाता है, जिसे कई विद्वानों ने समाज विज्ञान का विजुअल मोड भी घोषित किया है। इन्हीं विद्वानों ने लिखा है कि जिस तरह से सन 1970 का दशक समाज विज्ञान में भाषाई सरोकार को केंद्र में स्थापित करता है, उसी प्रकार समकालीन दौर हमारे ज्ञान के, हमारे दैनिक जीवन के केंद्र में चित्रमय सरोकारों को स्थापित करता है। भारतीय संदर्भों में भी दृश्य संस्कृति का विमर्श इसी समकालीन जद्दोजहद से निरूपित होता दिख रहा है। तो यह व्यापक फलक है, पृष्ठभूमि है जिसमें मैं दृश्य संस्कृति के साथ इसके पेचीदगियों को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने 2-3 स्तरों पर यह कोशिश की है। एक तो यह कि दृश्य संस्कृति अर्थात चित्र या विजुअल माध्यमों, जैसा कि मैंने अभी कहा, उनके साथ उनको समझने का, उनकी राजनीति को समझने का, उनके जो सरोकार हैं, ऐतिहासिक सरोकार, उनके समकालीन सरोकार, उनको समझने का प्रयास। और ये प्रयास इसलिए इस मायने में जरूरी है कि जब भी हम चित्रों की बात करते हैं या दृश्य की बात करते हैं तो अक्सर ही हमारा मन या तो कला की तरफ चला जाता है, कला विमर्श की तरफ चला जाता है, या फिर सिनेमा की तरफ चला जाता है। लेकिन कला के इतिहास या कला के विमर्श और सिनेमा के विमर्श
सिनेमा स्टडीज़ जो अब काफ़ी 70 के दशक के बाद से काफ़ी प्रचलित भी हो गया है, तो उनके बाहर हमारे दैनिक जीवन में जो चित्र की उपस्थिति है, जो बहुत डिसेंट्रलाइज्ड है, जो जिन जो जो बहुत जिसका स्वरूप बहुत विखंडित है, विकेंद्रित है, उसको कैसे समझा जाए? ये जो जीवन की में उनकी भागीदारी है, कला के खांचे से नहीं, उसके इतर, उसको कैसे देखा जाए? ये एक सरोकार मेरा है। दूसरा सरोकार ये रहा है कि जो पॉपुलर कल्चर की बात करते हैं और विजुअल कल्चर की बात करते हैं, फोटोग्राफी के इतिहास की बात करते हैं, तो भारत में भी काफ़ी काम हुआ है, अन्य जगहों पर काम हुआ है, लेकिन जो वर्नाकुलर डोमेन है वहाँ जब जाते हैं तो हम पाते हैं कि बंगाली भाषा साहित्य को यदि छोड़ दिया जाए और उस थाती के अतिरिक्त बहुत कम लोगों ने इस तरफ ध्यान दिया है, बहुत कुछ शायद कुछ नहीं लिखा गया है। किस तरह से हिंदी के जगत में चित्रों ने और चित्र और शब्द की क्या उपस्थिति रही है, उसके क्या गणित रहे हैं, उसके उनके अंतर संबंध क्या रहे हैं। तीसरी बात कि जो दूसरी से ही जुड़ी हुई है कि जब हम चित्र की बात करते हैं तो महज विज्ञापन या जो फोटोग्राफ्स पत्रिकाओं में हैं उन्हीं की बात नहीं है यहाँ, उससे आगे जाने की बात है। और जो मैंने अभी जिक्र किया, चित्र और शब्द, इनके बीच का जो अंतर संबंध है, इसको हिंदी के इतिहास के संदर्भ में और देवनागरी जगत के संदर्भ में, उत्तर पट्टी जो भारत का है, उस परिदृश्य में हम कैसे देखें। अब यहाँ ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत के संदर्भ में यदि देखें तो 19वीं सदी के दूसरे उत्तरार्ध में, जब 1840 में कैमरा यूरोप में आया और कैमरा का बहुत तेजी से औपनिवेशिक समाज में उसका प्रसरण हुआ, फोटोग्राफी आया भारत में और बहुत तेजी से फैला। इसके साथ साथ जो 19वीं सदी के अंतिम 2 दशकों में, जब हम साहित्य की तरफ देखते हैं, प्रकाशन की दुनिया की तरफ देखते हैं, जबकि प्रकाशन का जो काफ़ी विस्तार हो रहा था, बहुत तेजी से विस्तार हो रहा था, तो वहाँ धीरे धीरे चित्रों ने अपनी जगह बनानी शुरू की और हमें कई स्तर पर, जो मैं चित्र और दृश्य, चित्र और शब्द के संबंध की बात कर रहा था, वो हमें देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ एक और स्तर पर जाने की जरूरत है, जिसकी तरफ मैंने ध्यान खींचने की जरूरत महसूस की और आपका तवज्जो चाहूँगा कि देखना महज दृश्य संस्कृति महज चित्र से जुड़े ताल्लुकात नहीं हैं। जैसे एक स्तर पर मैंने कहा कि चित्र और साहित्य का जो संबंध है वो महज कला विमर्श की बात नहीं है, उसी तरह दृश्य संस्कृति की बात महज चित्र की बात नहीं है, महज ग्राफिक रजिस्टर्स, पिक्टोरियल रजिस्टर्स की बात नहीं है, यह महज विजुअल मीडियम की बात नहीं है। यहाँ हमें एक कदम आगे जाना होगा। अब वो कदम क्या है, मैं उसको थोड़ा सा आपको उसकी तरफ इशारा यहाँ करूँगा। जैसे 19वीं सदी के ही उत्तरार्ध में 1880 के दशक में एक काफ़ी जो प्रचलित पत्रिका हिंदी की थी, वो थी हिंदी प्रदीप और इलाहाबाद से निकलती थी। हिंदी प्रदीप के एक आलेख में मैंने वहाँ से ये उक्ति मैं आपके समक्ष रखता हूँ। उसमें है कि देखने और दिखाने की इच्छा
निकाल दी जाए तो जनाकीर्ण जगत और जीर्ण अरण्य बराबर हो जाए। तो ये जो देखना और दिखाना है ये महज चित्र की बात नहीं है। भारतीय संदर्भ में बहुत से दर्शकों को मैं याद दिला दूं कि देखना और दिखाना कई तरह से होता है, जैसे कि दर्शन की प्रक्रिया, जहाँ कि एक भक्त अपने देवता का दर्शन करता है, वहाँ कोई चित्र जरूरी नहीं है कि हो। वहाँ दर्शन एक संवाद है जो कि भक्त और उसके ईष्ट के बीच होता है। अक्सर यदि ये मंदिर के संदर्भ में कहा जाए तो ये मूर्ति इसके केंद्र में होता है, लेकिन यह दर्शन जरूरी नहीं है। और ऐसे बहुत सारे ऐसे उद्धरण दिए जा सकते हैं जबकि लोगों ने दर्शन के अपने अनुभव के बारे में लिखा है। तो दर्शन अनुभव है जो कि किसी भी अवस्था में आदमी लेटा हुआ है और उसे अपने देवी देवता का दर्शन हो सकता है। देवी देवता का दर्शन देवी देवताओं के कैलेंडर के जरिए भी होता है। तो चित्र है भी और नहीं भी है दर्शन की जब हम बात करते हैं। डायना इक की बड़ी अच्छी किताब है और लोगों ने भी लिखा है। सिनेमा जब जैसे जय संतोषी माँ आए तो जय संतोषी माँ सिनेमा में भगवती के दर्शन करने हजारों लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ा। तो यहाँ तकनीक माध्यम भी है सिनेमा का, कैलेंडर भी है और मूर्ति भी है, लेकिन इन सब के परे भी जाता है दर्शन। तो ये जो अब दर्शन एक ऐसा अनुभव है जो कि यह नहीं कहा जा सकता है कि यदि आप कोई कैलेंडर देख रहे हैं तो आपको दर्शन हो ही रहा है। ये एक बहुत निहायत ही व्यक्तिगत अनुभव है, बहुत ही विशिष्ट अनुभव है जो एक विश्वास आधारित अनुभव आप कह सकते हैं, एक खास धार्मिकता के की परंपरा में के तहत आता है वो हमारे सामने। तो ये जो पेचीदगियां हैं दर्शन की और देखने दिखाने की, जहाँ चित्र है भी और जहाँ चित्र से परे जाने की भी बात है, उनकी तरफ मैंने इस किताब में इशारा किया है। यहाँ बहुत सारे देखना एक मेथोडोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट हो सकता है, देखना एक खास संदर्भ में किसी लेखक की कृति के बारे में बात करना हो सकता है कि किस तरह से कुछ खास लेखकों के जो शिल्प हैं वो बहुत फिगुरेटिव हैं, वहाँ शब्द चित्रों का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल होता है। इस तरह से कि जैसे मैंने फणीश्वरनाथ रेणु की बात की है और वहाँ कैसे अंचल जो पूर्णिया अंचल है उत्तर बिहार में, उसके इतिहास और उसकी भौगोलिक विशेषताओं के साथ वो किस तरह से उनको उसका चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं जो कि काफ़ी संश्लिष्ट है। इसी तरह से देखना शहर में एक सड़क पर गुजरते जाने का अनुभव हो सकता है, जहाँ की स्टिकर्स और तमाम तरह के ग्राफिटीज से आप गुजरते हैं। तो इन सब अलग अलग पहलुओं पर मैंने छोटे छोटे निबंध लिखे हैं इस किताब में और इनके जरिए मैंने देखने और दिखाने की जो हिंदी जगत में परंपरा है, अनुभव है, जो सरोकार हैं उनको टटोलने की कोशिश की है। कभी मौका लगे तो आप इसे पढ़ना चाहें उलट पुलट सकते हैं और इससे फिर हम इस तरह की संवाद करते रहेंगे। शुक्रिया।